अभी स्वर और व्यंजन मिलाकर हमने वर्णमाला लिखना सीख लिया है, अभी हम अक्षरमाला पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अ अनार, अनार यानी कि कन्नड़ में हम दाड़िंबे, इन इंग्लिश वर्ड वी कॉल्ड पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट, ठीक है, टी ई। उसके बाद आ, आ आम, आ आम मीन्स क्या है यहाँ पे, आम मीन्स माविनहन्नो, माओ, कन्नड़ में माओ कहते हैं और इंग्लिश में हम मैंगो, ठीक है। अभी आ के बाद कौन सा अक्षर आता है, ई, ई इमली, इमली, इमली यानी के इमली यानी हुणसे, कन्नड़ದಲ್ಲಿ हुणसे, इन इंग्लिश वर्ड वी कॉल टम रिंग, टी ए एम आर आई ए आर आई एन डी, टम रिंग। आयता इवाग ई आयतु, इवाग दौड़ ई, बड़ी ई, 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 ईक, ई, ईक यानी कि एक यानी कि कन्नड़ में कबू, इन इंग्लिश शुगर कैन, सी एन सी ए एन ई, शुगर कैन, ई, ई होने के बाद ऊ, ऊ उल्लू, उल्लू, उल्लू लेने के क्या है, गूगे, कन्नड़ में गूगे, और इंग्लिश में ओ डब्ल्यू एल, ऊ, ऊन, ऊन यानी कि ऊन यानी कि कन्नड़ में हम कहते हैं उलन, उलन, इन इंग्लिश वी कॉल ऊल। अभी क्या है अगला अक्षर, री, री ऋषि, री ऋषि, 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 इन इंग्लिश सेंट,
पाद, कन्नड़ में हम कहते हैं पाद, इंग्लिश वी कॉल फीट, FEET फीट। ठीक है, ये हो गया ए एडी तक। इसके आगे जो है हम लिखेंगे ए एन ए एनक। एनक मतलब क्या है? एनक मतलब क्या है? कन्नड़क, कन्नड़ी कन्नड़क अथवा चश्मा कूड़ा अंत करती कन्नड़क। इन इंग्लिश फॉर बी कॉल्ड हाँ आगे उसी तरह ही ए एनक होने के बाद ओ ओ ओखली अथवा ओखल, ओखली भी कहते हैं, ओखल भी कहते हैं। ओखल भी कहते हैं कन्नड़ी ओखली अथवा खलबत्ते। खलबत्ते इन इंग्लिश वी कॉल पेस्टल, पेस्टल PESTLE pestle ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ತರಹನೇ ಔಟ್ ಔರತ್, ಔರತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔರತ್ ಏನಕ್ಕೆ महिले, कन्नड़ में कहते हैं महिले। इन इंग्लिश वर्ड वी कॉल्ड उमन, WOMAN उमन। ठीक है, अंगूर यानी कि क्या है? द्राक्षे, कन्नड़ में हम द्राक्षे कहते हैं, द्राक्षे। इन इंग्लिश वी कॉल ग्रेप्स, GREPS ग्रेप्स, GREPS grapes। ठीक है, आहा अभी जो आपने लिखा ओ से लेकर आम आहा तक आपको क्या करना है, इसको आपको देखकर दो बार लिखना है होमवर्क बुक में, और बिना देखे करेक्ट अपने क्लास वर्क में लिखना है बिना गलती किए। इसीलिए आपको क्या करना है, दो बार अपने होमवर्क बुक में लिखना है और एक बार अपने क्लास वर्क में लिखना है। ಎರಡು ಸರಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸರಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಬೇಕು. ತ
ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಿಸಿ ಬಿ ಸಮಯ ಕಭಿ ಬಿ ಯೂಸ್ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕೋ ಕಬ್ ಜಬ್ ಮೈ ಕಹೂಂಗಿ ಕಿ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಲಿಖನಾ ಹೈ ತಭಿ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಲಿಖೋಗೆ ತಬ್ ತಕ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಕುಚ್ ಬಿ ನಹೀ ಕರೋಗೆ ಅಭಿ ಜಹಾಂ ತಕ್ ಬೋಲಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಕಿತನೆ ಬಾರ್ ಅಪ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಲಿಖನಾ ಹೈ ಆಪ್ ಕಿತನೆ ಬಾರ್ ಅಪ್ನೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಲಿಖನಾ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಧ್ಯಾನ್ ಮೇ ರಖ್ ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೀಜಿಯೇ ಠೀಕ್ ಹೈ ಧನ್ಯವಾದ